20 मिनट में कॉलेज कॉरिडोर में मिलो। पलची दादी भी ना पता नहीं क्यों मुझे शॉपिंग के लिए फोर्स कर रही। नहीं करनी मुझे शॉपिंग, जबरदस्ती है कि मैं मजा आ रहा है ना तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है ना, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बताना चाहता हूं तो तुम पर और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम्हें तो कोई बात समझ में आती ही नहीं है ना। क्या गुर क्यों रही हो? अच्छा तो जाने बिना मानोगी नहीं तुम? नहीं करेक्ट, तो ठीक है बता। तो मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूं, चलोगी? नहीं नहीं चलोगी? ठीक है अपनी बात पर टिकी रहना, चेंज मत करना, नहीं आओगी ना? जो तुम यहीं पर बैठो, मुझे भी नहीं जाना। पता है मुझे लगता था कि अपने गुस्से और जिद के लिए सिर्फ मैं ही मशहूर था, लेकिन अब गुस्से और जिद के लिए तुम भी पॉपुलर होने लग गई। एंग्री फुकी। मुझे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या कर क्या रहे हैं आप? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने ही नहीं दूंगी। पर क्यों नहीं कर सकती मैं ये? हाँ व्हाट्स रॉन्ग विद इट? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? भूल गई हो? जब भी प्रज्ञा इस घर में आई है प्रॉब्लम्स हुई है। भाई फिर से प्राची प्राची करेंगे और वो तुम्हारी सो कॉल माँ तुम्हारी जगह प्राची को दे देगी, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बूजी जानती हूँ मैं, आई नो दैट, ओके आई नो एवरीथिंग, और सब कुछ जानने के बावजूद मैं ये करूंगी। जानती हूँ मैं कि प्राची के मामले मेरी जगह उस प्राची को चूज कर और आगे भी उसे ही इंपॉर्टेंस देंगी। जानती हूँ मैं बूजी, लेकिन मैं ये करूंगी बिकॉज ऑफ माई लव। अगर रणबीर की वजह से मेरे और प्राची के बीच में लड़ाई होगी तो उस लड़ाई में मैं ही जीतूंगी। मैं डैड से कहूंगी कि वो मीरा आंटी से शादी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा रिया? Would you have decided? And it's fine. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर प्राची की मॉम इस घर में आके रहे। I really don't care. I don't hate her that much. अभी बात रणबीर की है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रणबीर चाहिए, that's it. और मैं रणबीर को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। रिया बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, और अगर तुमने कुछ भी किया ना तो उसे ठीक करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। रिया रिया हेलो टैक्सी टैक्सी, भैया मैंने टैक्सी रोकी थी, आप क्या कर रहे हैं? हेलो तुम चाहो तो मैं गाड़ी भिजवा सकता हूँ। मुझे टैक्सी में ही जाना है, एक तो आपकी वजह से टैक्सी निकल गई। अब फोन क्यों किया था? मेरे पास टाइम नहीं है। आप बहुत इम्पोर्टेंट काम करनी थी ना, तुम्हें टैक्सी रुकवानी थी। इस वक्त मेरे लिए टैक्सी ही इम्पोर्टेंट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट शादी के फंक्शन में जाना है। पता है हम लड़ते इतने हैं लेकिन हमारी सोच बिल्कुल सेम है। मैंने भी तुम्हें वेडिंग फंक्शन में इनवाइट करने के लिए फोन किया था। सीरियसली? एक्चुअली कल ना मेरी हल्दी है, सगाई में तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी देखी थी ना मैंने, वो खुशी मुझे दोबारा देखनी है। शक्ल तो दिखाऊंगी। बाय बाय। क्या हो गया तुझे? पागल वागल हो गया? इतना कैसे बदल गया तू? मिला अपनी दी से, क्या हुआ? कल तो बहुत शेर की तरह थाड़ रहा था ना, कॉलर तक पकड़ लिया तूने मेरा, अब तेरी हवाइयां क्यों उड़ गई है? तुझे पता चल गया ना जो इल्जाम तूने मुझ पर लगाए थे, एक्चुअली वो इल्जाम तुझे तेरे दी पर लगाने चाहिए थे। पता तो मुझे सब चल गया है कि तू क्यों कर रहा है ऐसा। रिया ने कहा ना तुझसे शादी के लिए? Dad, that you love me. इसमें पूछने वाली क्या बात है रिया? I just need to know yes or no. शीला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। तो फिर आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? तुम्हारे कहने पर मैं मीरा से शादी कर रहा हूं। What more do you want me to do? और क्या करूं बताओ? तो फिर आप मेरे कहने पर आप मीरा आंटी से शादी करने के लिए मना कर दीजिए।
तुम आ गई, तुम्हें पता है मैं इतना वेट कर रहा था, तुम क्या मेरी जान लेके मानोगी? मुझे तुमसे बात करनी है। ऑफ कोर्स, मुझे भी तुमसे बहुत बात करनी है, इसलिए मैं आर्मी को छोड़ के आया गाड़ी, कि हम आराम से यहाँ पे बात कर सके और हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। बट तुम ऐसे सैड क्यों? सैड नहीं, गुस्से में। एंड द रीजन इज? यू नो व्हाट रणबीर, मैं ना बाल बाल बच गई। बाल बाल बच? हाँ, बाल बाल बच गई, सस्ते में छूट गई। बहुत गलत क्या, सस्ते में बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छी डील मिलनी चाहिए, because you're the best. Exactly. वही तो कर रही हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे तुमसे बेटा कोई मिल सकता है। देखो बुरा मत मानना, तुम ठीक हो, पर मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, सच कहूँ तो तुम मेरे लायक ही नहीं, सो जस्ट स्टे अवे, ओके? ये तुम हाँ सही पहचान रहे हो, आई थिंक आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ रणबीर, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारे बीच कभी कुछ था ही नहीं। तुमने शर्त लगाई थी ना किसी से कि तुम मेरे पास आओगे और ऐसा बोलोगी, और फिर रणबीर ऐसे गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा प्लीज मुझे मत छोड़ो प्राची, है ना? किसे शर्त लगाई थी? कोई आसपास कोई है? कितने की लगाई थी? मैं मजाक नहीं कर रही हूं रणबीर, दैट सीरियस, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती मैं, मुझे तुमसे बेटर कोई डेफिनेटली मिल सकता है, ये सच है, इसीलिए आई एम ब्रेकिंग अप विद यू, डोंट यू अंडरस्टैंड? झूठी नहीं हूं मैं। झूठ बोल रही हो तुम, और क्या, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और हम दोनों को हमेशा साथ रहना, कभी अलग नहीं होना होना है। क्यों हमें अलग होना है? इनफैक्ट आज अभी मैं तुमसे अलग हो रही हूं। क्यों मुझसे क्यों अलग हो रही हो तुम? तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार। डैड हाउ कैन यू से दैट? If you love me, if you really love me, तो फिर मैं जो चाहती हूँ आप उसके लिए मना कैसे कर सकते हैं? Miss Ami, I love you. Okay, I really love you. लेकिन ये प्रूफ करने के लिए मुझे आप किसी से शादी तोड़ने की जरूरत नहीं है। शादी का डेट फिक्स हो गया है, कार्ड छप चुके हैं, सबको पता है, प्रज्ञा को पता है, वो तो मुझ पर हंसेगी ना, उसे तो ये नहीं पता चलेगा कि रिया के कहने पर मैं मीरा से शादी नहीं कर रहा हूँ, उसे यही लगेगा कि मीरा ही शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मीरा को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया या समथिंग, कि वो मुझे डरने लगी या उसे लगा होगा कि वो मुझे हैंडल नहीं कर सकती, तो इसलिए मीरा ये शादी कैंसिल कर रही है, जो मैं होने नहीं दूंगा। आई वोंट लेट दैट हैपन। अभी शादी होगी, सबके सामने होगी और प्रज्ञा के सामने होगी। तू पागल हो गया क्या? इसके कहने पर शादी कर रहा था ना तू, अब अगर वो मना कर रही है तो क्या जरूरत है? इसने जो कहा तुझे सुनाई दिया, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं। हाँ मीरा से शादी होगी तो मतलब होगी, तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं प्रज्ञा को छोड़कर किसी से भी शादी कर लूँ, तो लो तुम्हारी विश पूरी होगी, मैं कर रहा हूँ किसी से भी शादी, आप समझाओ इसे कि मैं मीरा से ही शादी करूँगा। आज पहली बार मैंने भाई से कुछ नहीं कहा और भाई वो सब कुछ कह गए जो मैं चाहती हूँ। प्रज्ञा या कौन? क्या सोच कर रही हो, समझाओ इसे। लेकिन डैड मुझे कुछ नहीं समझ रहा, आप मीरा आंटी से शादी नहीं करेंगे एंड दैट्स फाइन, ओके? हमारे बोलने से अब कुछ नहीं होगा, तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तुम ही ने बोला था ना शादी करने के लिए, तो मैं कर रहा हूं शादी, ये शादी है, कोई खेल नहीं है कि जब मन किया कर ली, जब मन किया तोड़ दी। तो फिर इन दैट केस मैं इस घर से भाग जाऊंगी। तब तुम अपने डैड का असली गुस्सा देखोगी, क्योंकि अब बहुत हो गया ये इमोशनल ब्लैकमेल, और गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें लिबर्टी दी थी ना, तो मैं अपनी गलती सुधार भी सकता हूँ, आई रियली कैन। तो अब नो मोर डिस्कशन, कल हल्दी है और परसों शादी है, फिलहाल मैं हल्दी की शॉपिंग के लिए मीरा के साथ जा रहा हूँ, उसे लेकर, डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। ये फलची दादी भी ना पता नहीं मुझे कहा। सुन लिया तुमने, भाई क्या चाहते हैं वो वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। ये डैड को क्या हुआ है? सबने मुझे ही विलन बना के रखा हुआ है। सुना ना तुमने, तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं रिया? मुझे अब बात डैड और मॉम की नहीं है, बात है रणबीर की। बात हमेशा से तुम्हारे मॉम डैड की ही थी रिया, तुम्हें तो सिर्फ मैं यूज कर रही थी, पर अब लगता है ना ही मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही तुम्हारी और रणबीर की सो कॉल्ड लव स्टोरी की।
सेकंड भैया, रुको 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 रुको, ये क्या आपने 5 रुपए कम दिए? मेरी जल्दी जाने का फायदा उठा रहे थे आप। मैम आप देखिए, आपको मैंने पैसे पूरे दिया हूँ, आप देखिए। तो 5 के सिक्के देने थे आपको। मैम एक सिक्का दिया हूँ ना आपको, 10 का, देखिए ना। बोला ना 5 का है। मैम ध्यान से देखिए, वो 10 का सिक्का है। सॉरी सॉरी भैया, सॉरी। तो एक सिक्के के लिए इतना? ऐसे एक एक सिक्के करके ना ऐसे 100 सिक्के बनाते हैं। आपकी हमारी बातें सुन, जो चाय ऑर्डर करूँ आपके लिए? अरे मेरी माँ शांत रहो, तुमको मालूम है बाजू का टैक्सी स्टैंड उनका यूनियन होगा, पकड़ के मारेंगे। अरे तो वो हमारी बातें सुन रहे थे। अरे यार तुम कभी तो अपना दिमाग यूज करो ना। चलो मेरे साथ। मैं दिमाग यूज करूँ? तुम अपना दिमाग यूज करो और मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी बताओ बात क्या है। अरे बात ये है कि प्राची ने रणबीर को मिलने के लिए बुलाया और अब उसके साथ ही वियर्ड बिहेव कर रही है। इसमें बड़ी बात क्या है? प्राची नॉर्मल नहीं बिहेव कर रही है और इसमें तुमको कोई बड़ी बात नहीं लग रही? जिस तरह से रणबीर ने उसके साथ बिहेव किया है ना, तो प्राची का ऐसा बिहेव करना बनता है। ओ प्लीज, अब मैं कुछ बोलूं? बोलो। यार रणबीर ने प्राची के साथ और बिहेव किया क्योंकि उसका रीजन था और ये रीजन उसने प्राची को बताया भी। और उनका पैचअप हो गया ये बात भी मुझे पता है। तो आर्यन मुझे कुछ वो बताओ जो ना बताओ। तुम्हें ये नहीं पता है कि प्राची अभी भी रणबीर के साथ वियर्ड बिहेव कर रही है और उससे बात नहीं कर रही है और रणबीर वहाँ पे पागल हुए जा रहा है। आर्यन थोड़ा रिलैक्स करो तुम, और जितना रणबीर ने उसे सताया है प्राची थोड़ा तो सताएगी ना, हिसाब बराबर होना चाहिए। तुम्हें प्राची को देख के लगता है कि प्राची उन लड़कियों में से जो हिसाब किताब रखती है? नहीं प्राची ऐसी तो नहीं है। प्राची ऐसा क्यों कर रही है? अब ये क्या है, हंसी क्यों आ रही है? अरे वो ना तुम्हारी टांग खींच रहे होंगे, तुम्हारे सामने लवी-डवी बातें नहीं करते होंगे पर अकेले में जाके रोमांस करते होंगे। मेरे सामने लवी-डवी बातें नहीं करते होंगे, मैंने हेल्प किया उनकी। कुछ भी बोल रही हो, पागल हो रही हो। आर्यन तुम कुछ भी सोचते हो, वो दोनों मिलकर तुमको बेवकूफ बना रहे हो, तुम बन रहे हो। तो कबाब में हड्डी मत बनो और तुम निकाल के फेंक दिए जाओगे, उनको रोमांस करने दो। मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मैं कबाब में हड्डी कब से बन गया? हाँ तुम ही तो कबाब में हड्डी बन रहे हो। तुम कुछ भी बोल रही हो समझी, मैं कोई कबाब में हड्डी नहीं हूँ। सुबह सुबह दिमाग खराब बंद करो, इरिटेट मत करो। खराब करने के लिए मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें पैसा लग रहा है अभी? रणबीर मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, या फिर पुअर फैमिली भी कह सकते हो। हाँ आई नो, बट मुझे उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। मुझे होगी ना, मुझे प्रॉब्लम होगी। तुम भी जानते हो कि अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारी फैमिली अपनी प्रॉपर्टी से तुम्हें बेदखल कर देगी, बॉयकॉट कर देगी, राइट? हाँ तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगा, किसी मोहल्ले में, गली में। मुझे नहीं रहना ना गली मोहल्ले में, मुझे नहीं रहना। मुझे पैसे चाहिए जिससे अपने सपने पूरे कर सकूं। मुझे गरीबी में नहीं जीना है, बस हो गया। पैसे के बिना आजकल दोस्ती नहीं चलती, प्यार क्या चलेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब तुम बोल रही हो। तुम्हें क्या हो गया एकदम से? अभी ऐसा तो नहीं सोचती थी तुम कल तक? एक रात में क्या चेंज क्या हो गया? और तुम तो बहुत सिंपल किस्म की लड़की हो, तुम्हें ये सब चीज़ तो पसंद ही नहीं है। तुम्हें से अचानक से गोल्ड डिगर वाली बातें क्यों कर रही हो? सिंपल लड़की थी नहीं, सिंपल लड़की होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मैंने कहीं तो सुना था कि अमीर घर के लड़के सिंपल लड़कियों पे मरते हैं। लेकिन कल रात जब तुमने मुझे बताया कि कैसे तुम्हारी मॉम हमारी रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, वो नहीं चाहती हम साथ में हो, और कैसे उन्होंने तुमसे प्रॉमिस लिया है कि तुम मुझे नहीं मिलोगे, इमेजिन, उसके बावजूद जब तुम मुझसे मिल रहे हो, उन्हें ये बात पता चल गई तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे ना, तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल देंगी, मे बी जायदाद से बेदखल कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं रहना ना ऐसे छोटे घरों में तुम्हारे साथ, मुझे बड़े घरों में रहना है, महंगी गाड़ियों में घूमना है, खूब सारे पैसों से शॉपिंग करनी है। ये सब क्या बोल रही हो प्राची, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? I don't understand. You don't understand or you don't want to understand? नहीं नहीं बता दो ना, किस भाषा में समझाओ कि तुम समझ जाओगे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है रणबीर, मनी इज गॉड डैम इंपॉर्टेंट। तुम्हें नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि तुम तो अमीर घर में पैदा हुए, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, राइट? तुम्हारे पास तो ऑलरेडी इतना सारा पैसा है, मुझसे पूछो, मुझे पता है। You know, जब तुमने कहा था ना कि प्राची मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत खुश हुई थी, आई वॉज हैप्पी। You know why? मैंने सोचा वाह, रणबीर कोहली लव्स मी, द रणबीर कोहली, कोहली इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा, जिसकी कार की कीमत मेरे घर की कीमत से 4 गुना ज्यादा है, आई वाज सो हैप्पी। लेकिन अब क्या फायदा, वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली नहीं चाहती। क्या पैसा, पैसा मैं कमाऊंगा ना पैसा तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारी जिंदगी में जितनी खुशियां हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पूरी जिंदगी में तुम्हारी खुशियां भर दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रहूंगा। देखो इंपॉर्टेंट ये है कि हमें साथ रहना है। बच्चों जैसी बातें मत करो रणबीर, पागल हो क्या तुम? ऐसी बातें तो संजू भी करता था, जानते हो ना संजू को, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो ला दूंगा, सारी खुशियां दूंगा। तुम भी जानते हो कि उसके पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, लेकिन अगर कल तुम्हारी और मेरी शादी होती है ना, तो उसके पास जितने पैसे हैं ना, तुम्हारे पास उतने भी नहीं होंगे।
सपने तो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ रणबीर, अब टाइम है उन्हें पूरा करने का। हमने फिल्मों में देखा है ना, हीरो कैसे सबके अगेंस्ट जाके हीरोइन से शादी कर लेता है, सबसे लड़ लेता है ना, बाहर जाके नौकरी कर लेता है, 20-25 हज़ार कमा लेता है महीने के, फिर ईएमआई पे घर, फिर छोटी सी गाड़ी, एसी, हॉलीडे, सब कुछ ईएमआई पे, लोन पे, है ना, उधार की जिंदगी। वही तो नहीं जीनी है मुझे, नहीं जीनी है मुझे उधार की जिंदगी। बस इसी लाइफ से एक दिन तुम तंग आ जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और मैं तुमसे इरिटेट हो जाऊंगी। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं करूंगा प्राची, आई स्वयर, मैं बिजनेस करूंगा, मैं हजारों में नहीं, मैं कमाऊंगा लाखों में, तो मुझे चांस तो दो। जीरो से स्टार्ट करोगे ना, टॉप तक कब पहुंचोगे? और क्या गारंटी है पहुंचोगे भी या नहीं, या यू विल बी अ फेलियर और यू विल जस्ट बी अ लूजर? क्या गारंटी है ना, कोई गारंटी तो नहीं है। और इतना टाइम नहीं और इतने पेशेंस भी नहीं है मेरे पास कि इतना इंतजार करूं। बिल्कुल नहीं, प्यार तो करती नहीं मैं तुमसे, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, पता है ना तुम्हें। ऑलरेडी तुम पे ना बहुत टाइम वेस्ट कर चुके, मैं और नहीं हो सकता। अब आई थिंक मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा, कौन हो सकता है, हेल्प करो ना, मेरी दोस्त बोलते हो ना उतना तो। नील, तुम्हारा वो दोस्त है ना नील, याद है उसने मेरे बारे में गलत सलत बातें की थी? वो आई थिंक मेरे प्यार में फंस सकता है, तुम्हारी तरह थोड़ा डम भी है और अमीर भी। और कितनी बेइज्जती कराओगी अपनी, और कितना नीचे गिरोगी? जैसी तुम नहीं हो वैसी बनने की कोशिश मत करो प्राची। Don't touch me. Don't you dare touch me. मैं ऐसी ही हूँ और जैसी हूँ ना वैसी रहने दो मुझे। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो चुपचाप और मूव ऑन कर जाओ। कल मुझे किसी और के साथ देखोगे ना तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम्हारा दिल नहीं दुखेगा, पागल मजनू की तरह बिहेव नहीं करोगे। रिया तुम्हारे बारे में सही बोलती थी, मुझे सुनना चाहिए था उसके बारे में, लेकिन मैं बेवकूफ था, मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल था कि मैं चुपचाप सब इग्नोर करता रहा। हाँ तो करो ना प्यार, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार नहीं मुझे पैसा भी चाहिए, है ना। मैं प्यार के बिना जी सकती हूँ, पैसे के बिना नहीं जी सकती। तुम जियोगी एक बहुत घटिया जिंदगी जियोगी तुम, क्योंकि जिनकी जिंदगी में प्यार नहीं होता ना वो। तुमने आज मेरी प्यार की इंसल्ट किया, तुमने मुझे धोखा दिया प्राची, तुमने मुझसे झूठ बोला आज, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें पता है कैसा महसूस होता है? जैसा भी महसूस होता है जाओ जाके रिया को बताओ, वो सुन लेगी तुम्हारी बात, उसके कंधे पे रो लेना, उसे सब सुना देना, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता वो भी तुम्हें घास डालेगी। तुम एक काम करो, कोई और लड़की ढूंढो जो तुम्हारी तरह सोचती हो, जिसे प्यार चाहिए पैसा नहीं। नहीं नहीं, लेकिन ऐसी लड़की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए होता है रणबीर, एवरीबॉडी वांट्स मनी। बहुत ही घटिया, और फॉरगेट। अभी इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? यार समझ नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कुछ तो गलत है, इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। अरे बातें कर रहे होगे ना, हाँ लवी लवी बातें कर रहे होगे, हम दोनों को बेवकूफ बना रहे है ना। अरे मुझे लग रहा है कुछ तो सीरियस मैटर है। रियली? क्यों तुमने ही कहा था, शायद तुम भूल गई हो। अरे दोनों लवी लवी बातें कर रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, है ना, अब तुम वही टेंशन ले रही हो, नहीं लग रहा? अरे मैं कैसे टेंशन ना लूं, इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं है दोनों। आज अभी मैं तुमसे अलग हो रही हूं। रणबीर क्यों मुझसे क्यों लग रही हो तुम? मुझे तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार है। इसकी शक्ल देखे तुमको लग रहा है कि ये लोग लवी डवी बातें कर रहे थे? मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ रणबीर, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। यार ये मुझे बहुत गुस्से में दिख रहा है, इनका पक्का झगड़ा हुआ है। आने देना, पूछ लूंगी। रणबीर प्राची कहाँ है? रणबीर जवाब क्यों नहीं दे रहा? मुझे नहीं पता प्राची कहाँ है यार, खुद जाके पूछ लो उससे कहाँ है वो। रणबीर तुम्हें सब पता है, तुम बता नहीं रहे हो। मुझे सिर्फ एक बात पता है शाना, मुझे ये पता है कि प्राची मुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। रणबीर कुछ नहीं बचा हमारे बीच। अच्छा अगर कुछ नहीं बचा तो रो क्यों रही है रणबीर?
उसके बारे में तुझे कुछ पता चला? मतलब ऐसा कुछ हुआ, तुझे ऐसा लग रहा है कि वो तेरे साथ टाइम पास कर रहा है, या फिर तुझे उसकी कोई आदतें जो नहीं अच्छी लगती और वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं? चुप कर जाना रणबीर, के बारे में ऐसी बातें मत कर। ये कैसा ब्रेकअप है? उससे दूर जाना चाहती है और उसके बारे में बुरा भी नहीं सुन सकती है तू। प्राची, अगर रणबीर को छोड़ दिया तो फिर रो क्यों रही है? रोना धोना भी बंद करना। पता क्या बात है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था शाना। कोई रास्ता नहीं बचा? हाँ, अब मैं साफ मना कर देता, बोल देता कि मैं मानता ही नहीं ये ब्रेकअप को। आर्यन, तू वहाँ होता तो समझता है। मैं गया था कल रात को उसके पास, मैंने उसको बोला, मैं उसके सामने गया और मैंने उसको समझाया कि प्राची मॉम हमारे रिश्ते के अगेंस्ट थी और उसके लिए मैं घर छोड़ रहा था, और उसको बहुत अच्छा लगा। आई स्वेयर उसको बहुत अच्छा लगा, और उसको वो मेरे को बहुत प्यार भी दिखा रही थी रात को यार। पर पता नहीं आज एकदम से उसको क्या हुआ, आई और मुझे कहने लगी कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्रॉपर्टी का एक एक पैसा नहीं देंगे। अब इसका मतलब तो मुझे बता क्या होता, कि वो मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि पैसों की वजह से। अगर वो मेरे साथ रहेगी तो उसको देख महंगी गाड़ियां नहीं मिलेंगी, एक लैविश घर नहीं मिलेगा रहने के लिए, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। उसने मेरे मुंह पे बोला आर्यन। अब इसका उसे एक ही मतलब हुआ ना, कि उसको पैसों से प्यार है, मेरे से नहीं है। तुझे रणबीर से प्यार नहीं है? सच सच बताना कि क्या हुआ है, बात क्या है? तू क्यों अपने पहले प्यार को खोना चाहती है? क्योंकि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ शाना। माँ से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, कोई नहीं। इसलिए तुझे माँ से ना कहा ब्रेकअप करने के लिए? रिया ने